सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं iQOO के Z7 Pro डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर किसी भी ऐप का क्लोन कैसे बना सकते हैं, मींस की ऐप क्लोन सेटिंग्स कैसे यूज करेंगे। जिनको नहीं पता ऐप क्लोन क्या होता है, ऐप क्लोन एक डुप्लीकेट आइकन क्रिएट करता है, जिसको हम अगर एक व्हाट्सअप अगर बोले एक व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको दो व्हाट्सअप यूज करना है तो उसको क्लोन करके आप दो बना सकते हो, उसका डुप्लीकेट करके, और दोनों में अलग अलग नंबर से रजिस्टर आप करके दो व्हाट्सअप अपने फोन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अभी चलो डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं ऐप क्लोन सेटिंग्स को यूज कैसे करना है। वेल गाइस अपने फोन के अंदर ओपन करना होगा हमें सेटिंग्स को, जो हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है। स्क्रॉल करके नीचे आना, इसमें एक सेटिंग्स मिलेगी एप्स वाली, जस्ट आपने इस एप सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा, नीचे आएंगे तो ऐप क्लोन मिल जाता है, इसको प्रेस करेंगे। दो तरीकों से हम एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका ये है कि यहाँ भी मल्टीपल एप्लीकेशन क्लोन दिख रहे हैं ना, पहले क्या था कि मैक्सिमम एप्लीकेशन क्लोन करने के लिए मिलती थी, अभी तो बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है, सबको क्लोन कर सकते हैं। जिसको भी आपको क्लोन करना है इस तरह से प्रेस करेंगे। फोन पे एज अ डेमो मैंने क्लोन किया है, तो ये इसका एक डबल फोन पे हो गया होगा, देखो एक यहाँ पर एक। अब हमको पता है कि हमारा फोन कौन कौन से एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है क्लोन करने के लिए, तो पहले तो हम इस फोन पे को यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। देन इसी फोन पे वापस लॉन्ग प्रेस करेंगे, एक डैशबोर्ड आएगा जिसमें भी आपको ऐप क्लोन मिल जाता देखने को, इसको प्रेस करेंगे। देन अपने स्क्रीन से भी इजिली हम एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं। तो ये जो है iQOO के अलावा वीवो वाले फोनों में भी सेम फीचर मिलता है, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी है, थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं एक दो सेटिंग्स वगैरह के चेंजेस, बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम मिलते हैं। फिलहाल इस तरह से आप जो अपने फोन के अंदर ऐप का क्लोन कर सकते हैं। सो आई थिंक गाइस समझ गए एप्लीकेशन का क्लोन कैसे करना था iQOO के Z7 Pro डिवाइस के अंदर।